We're on our way to Mirpur. Still quite dark, but my dad has just gone to the mosque to pray Fajr. He's not focusing. But this mosque looks really pretty. Guess what, guys? Mahad is coming as well. Oh, look, there is a lorry coming. These typical Kashmiri lorries, they're like so fancy. Look at the lighting and everything. Chalo. I'm just gonna take a couple of photographs from her. This is Shahi Killa, that's where we're going. ये जो स्टेप है ये हाथियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. इधर से हाथी के ऊपर बैठ के बादशाह जाता था शीशमहल, वहाँ से वापस आता. ये 58 स्टेप है. आ जाओ. और ये देखिए, ये दरवाजा लगाया गया है, ये समर पैलेस है. ये वाला जी, ये समर पैलेस इसलिए कहा जाता है, जब गर्मी होती तो बादशाह सलाम नीचे चले आते थे. गर्मी की शिद्दत के बचने के लिए जब आप सतह ज़मीन से नीचे जाएंगे तो गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी. ये सामने जो गुरुद्वारा है, रणजीत सिंह ने यहाँ पूरे पंजाब के अंदर 40 साल हुकूमत की, 1799 से लेकर 1899 तक. ठीक है. ये सामने जो मस्जिद है, ये बादशाह मस्जिद, ये औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई थी. ठीक. इसके साथ है रोशनाई गेट. ठीक. ठीक है. ये सामने जहाँ झंडा लगा हुआ, अरे यहाँ पे आए, वो जो सामने झंडा लगा, ये औरंगजेब आलमगीर का गेट है. तीन गेट यहाँ, चौथा गेट आपको दिखाएंगे. वो सामने जो ग्रेव की तरह, ये असला खाना है, डीपू है अंग्रेजों के दौर. ये प्ले फार्म बनाया गया है यहाँ पे. नीचे वाली साइड पे हाथी खड़ा किया जाता था. यहाँ से बादशाह उतरते थे हाथी के ऊपर से और शीशमहल चले जाते थे. जब मुसलमानों का दौर था, जब सिखों का दौर आया, तो उन्होंने यहाँ पे कोर्ट लगाना शुरू किया. कोर्ट मीन अदालत. ठीक. और ये जो कुआं टाइप है, इसके नीचे जो मैंने समर पैलेस बताया, उसकी वेंटिलेशन के लिए इसको बनवाया गया. ये जो एक मड़ी टाइप है, ये रणजीत सिंह ने बनवाई थी. उनकी किताब थी गुरु ग्रंथ, वो पढ़ता था. साथ दरिया बैठा, दरिया रावी का नजारा बैठा. ये
ये फर्श देखें, इस फर्श के अंदर नालियाँ लगी हुई पानी की। अब तो आप लोगों को नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ये है मौसम गर्मा में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इस नालियों के अंदर पानी छोड़ दिया जाता, इससे ये फ़र्श ठंडा हो जाता जब बादशाह सलाम बाहर निकलते हैं, जैसे आजकल मक्का के अंदर है ऐसे ही उन्होंने वो पत्थर लगाए हुए हैं, गर्मियों में भी वो ठंडे हैं। वो देखिए वो जो सामने शीशे लगे हुए, ये शीश महल है, क्योंकि शीशे का बना हुआ है, शाहजहाँ के लिए बनवाया गया, आसफ जहाँ जो था नूर जहाँ का भाई, उसकी बा निगरानी में इसको बनवाया गया। इसके अंदर जो शीशे हैं, इसके अंदर जो पेंटिंग है, ये लिक्विड गोल्ड है। इसके जो पिलर हैं, इसके अंदर डायमंड्स लगे हुए थे। अभी भी कुछ फ्लावर जो हैं वो खाली हैं, और जब सिखों का रीजों का टाइम है सारे के सारे निकाल। वो जो कोने पे बिल्डिंग है वो मेकअप रूम है शहजादियों का, यहाँ पे शहजादियाँ मेकअप करती थी। ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग है ये 9 लाख है, उस ज़माने में इस बिल्डिंग की जो लागत आई थी 9 लाख आई थी उस ज़माने में। ये जो गुलाई में है ये फाउंटेन है, ये फुहारा है। आज से तकरीबन 10 साल पीछे चले जाएँ तो ये जो बिल्डिंग है इसका व्यू जो है 50 के नोट पर आता था। ये एक तकलीफ है, ये रीज़न है जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी ये चमक जाएगा। एक्चुअली इसी तरह इसकी बिल्डिंग के अंदर जो है हीर का नीलम लगे हुए हैं, हीरे और हीरे, और इसमें जब वो जलाते थे क्या कहते हैं उसको, मोमबत्तियाँ या कैंडल जलाए जाते थे, उसकी लाइट जब इनके ऊपर पड़ती थी ये सारे के सारे पत्थर चमक जाते थे। इसके अलावा तो शादी जो है इसके अंदर डायमंड्स लगे हुए थे, जब सिखों को अंग्रेजों का टाइम था सारे के सारे निकाल दिए। वो सामने जो मस्जिद है ये 1645 में शाहजहाँ ने एक मोती मस्जिद, आगरे में 2 मस्जिद इसी तरह की एक बनवाई। वो जो दीवार के अंदर एक होल सा बना, ये पाइप है मट्टी के, आजकल हमारे पास प्लास्टिक है, ये लोहे के पाइप है पानी के, उस जमाने में मट्टी के पाइप। इस तरह ये जो सामने एक बिल्डिंग है ये दीवाने खास है, गेस्ट ऑफ जी, जितनी भी बिल्डिंग्स है इनकी छतों के अंदर आयरन नहीं है, विद अबाउट आयरन, इसको हम आँच कहते हैं, ये डाट कहते हैं, डाटों से ठीक है, ये सारी डाटों की बनाई है। ये सामने जो है ये लॉन है घर का, जैसे एक सेन यंग वगैरह होती थी तो ये फाउंटेन चलाए जाते थे, जैसे आजकल तो परफ्यूम है पाउडर है, उस ज़माने वो चीज़ें नहीं होती, वो क्या करते थे होलों का अर्क जो होता है, अर्की होला, वो पानी के अंदर मिक्स किया जाता है। ठीक, ये रानी जिंदा थी रंजीत सिंह की वाइफ, उसके हाथ जो है मॉडल बना के रखे हुए, कहते हैं कि उसके हाथ जो है खूबसूरत है इसलिए बनाए, ये मार्बल की। ये डबल स्टोरी है, वो भी मेहमान बने हैं, ये भी मेहमान बने हैं। वो जहांगीर बादशाह का बेडरूम है, उसको बाद में कन्वर्ट करके म्यूजियम बना दिया, उसमें ताजमहल का ताजमहल पड़ा हुआ है, उसका हाथी के दांत का नक्शा वगैरह है और सिक्के वगैरह हैं, किताबें हैं। ये लॉन होता था घर के, जैसे इससे वो जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं वो खड़क सिंह की हवेली कहलाती है, खड़क सिंह जो है वो कर रहे हैं, इसके खड़कने से खिड़की खिड़की और ये एरिया जो है ये एक्चुअली महल था 114 कमरे से जो बात कर दिया। Guys, look how pretty.